पता नहीं क्या बात है, डगडग आज सुस्त लग रहा है। चाचा जी वो भूखा है। ठीक है, आगे के स्टेशन पर उसे डीजल पिलाते हैं। जब तक आप उसे लंच खिलाओ मैं चहलकदमी करके आता हूँ। आज पेट भरकर डीजल पी लो। गुरु हमें बैंक लूटने जाना है। सर आजकल बैंकों की सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है, अब ये जोखिम भरा काम है। तो फैक्ट्रियां लूटें, वहां का माल बेचकर पैसा अपनी जेब में आ जाएगा। गुरु तुम्हारी बात समझ में आती है, लेकिन फैक्ट्री का माल लादने के लिए तो ट्रक चाहिए। तुम ट्विस्टर को लेकर जाओ और कोई ट्रक उड़ा लो। क्या वो काम कर पाएगा? देखा ट्विस्टर का कमाल, अब उसे ले जाओ और कोई ट्रक लेकर आओ। रोड साइड पर कोई दिखे तो बताना। वहीं खड़े रहो, अब ये ट्रक हमारा है। मोबाइल कैसा है? ट्विस्टर इसकी गर्दन में रोड़ दो। हो गया तुम्हारा पाइप, अब एक उल्टा हाथ और तुम्हारी गर्दन ऐसे मरोड़ी जाएगी जैसे रस्सी के बल। अच्छे बच्चे बुजुर्गों पर हाथ नहीं उठाते। बाजू छोड़ो, क्या तुम नहीं जानते मैं ट्विस्टर हूँ? अब बताओ ट्विस्टर कौन है? ओ मेरा हाथ दर्द कर रहा है। खाली हाथ लौट आए? रोलो वो हम पर भारी पड़ गए। अब ये काम मैं खुद करूंगा। वो मुझे दिखाओ, जो पहले वार करेगा वही जीतेगा। यही है जिन्होंने हमारी ये हालत की। मैं दोनों को नरक पहुंचा देता हूं। जरा सोचो, इतना बड़ा गोला फायर होने से तुम्हारी गन का बैरल फट जाएगा और तुम खुद ढेर हो जाओगे। रोलो वो बहुत बड़ा धूर्त है, उसकी बातों में ना आना। तो फायर करो और देखो नतीजा। कहीं वो सच तो नहीं कह रहा, अगर बैरल फटा तो मेरे भी जी धड़े उड़ जाएंगे। उससे ये डबल बैरल गन बेहतर है, एक ही फायर से तुम्हारे दोनों दुश्मन मरेंगे। ये चल क्यों नहीं रही? बेवकूफ, कोई अपने दुश्मन को भरी हुई गन क्यों देगा? साबू भागो। अगर विरोधी कंफ्यूज हो जाता है तो वो निर्णय नहीं ले पाता और यही उसकी हार का कारण बनता है।